हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट लो। उसने उसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूँ। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी है। आमेन, आमेन, आमेन। हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यह सुंदर मौका जो तूने दिया प्रभु। सचमुच में पिता, वचन जो है वो तेरा है। जब भी कभी हम पढ़ते हैं उसे हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलता है, आत्मा की अगुवाई मिलता है प्रभु, की हम तेरा वचन की गहराई में जाए और सुने और माने और उस पर चलने वाला बन सके। प्रभु, मैं यही विनती करता हूँ कि तू इस वचन को अभिषेक कर, ताकि ये वचन हमारे हृदय में रह सके और हम 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आज ये जो वचन मैं लाना चाहता हूँ और ये है गलतियों के विषय में, यानी मिस्टेक्स। क्योंकि हम मनुष्य जो है, हम जानते हैं हम मनुष्य है ना, हम लोग सब गलती कर देते हैं। कोई इंसान या नहीं है जो कह सकता है कि मैंने कभी गलती नहीं किया, सब कोई, क्योंकि इस दुनिया में हम सब मनुष्य जो है, हम सब से गलती हो जाता है, हम मिस्टेक कर देते हैं, हो जाता है, और फिर कभी कभी हम पछताने लगते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा होने से हम फिर पछताते हैं। ऐसे हम जानते हैं बाइबल में कई ऐसे लोग को हम बाइबल में पढ़ते हैं जो उन्होंने ऐसे गलती को कर दिया। शुरू में हम जानते हैं परमेश्वर जब आदम हव्वा को बनाया, वो सुंदर बगीचा में रखा और उसने कहा, इस फल को तुझे नहीं खाना। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था, लेकिन हम जानते हैं सर्पदूत जब हव्वा को बरमाया कि परमेश्वर ने बताया इस फल को नहीं खाना, उसने कहा, हाँ, परमेश्वर ने बताया इस फल को नहीं खाना, जिस दिन तुम खाएगा मर जाएगा। तब सर्पदूत शैतान जो है कहा, बड़े जोर से हंस के कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मरेगा नहीं, तुम नहीं मरेगा, तुम्हारी खाली आँख ही खुल जी है। क्योंकि भरमाने वाली आत्मा ऐसा था कि उसने कहा कि तुम्हारा आँख खुल जाएगा, और जानते हो क्या हुआ? छोटा से गलती जो उस फल को उसने खाया, अपने पति को दिया, और आज सारा दुनिया पाप में हो गया ना। आज हम सब पापी ठहरे, एक मिस्टेक था, एक गलती, आज सारा दुनिया जो है इस गलती को अभी भी हम महसूस करते। अगर वो गलती ना हुआ होता हम लोग पापी नहीं ठहरते ना। लेकिन धन्य हमारा परमेश्वर, हम लोग को छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, कुर्बानी हुआ और फिर हम जानते हैं हमारे लिए बलिदान होकर हमें फिर से पिता से मिलाया, ताकि हम फिर से परमेश्वर के संतान बन जाए। इसी तरह से बाइबल में कई लोग ऐसे ऐसे गलती को कर दिए। बगोड़ा लड़का के भी देखो, उसने एक गलती किया, उसके पिता के घर में बहुत चीज था,
कोई चीज़ खाने पीने कोई चीज़ की तकलीफ उसके पास था ही नहीं है। यीशु आराम की जिंदगी था और पैसे की कमी नहीं था, खाने के पीने के नौकर चाकर सब चीज भरा था। वो पिता ने अपने बच्चों के लिए सभी कुछ रखा था, कोई चीज़ कमी नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि इससे ज़्यादा आनंद मिलेगा जब हम पिता के घर छोड़ देगा। तब पिता से बोला मुझे शेयर दे दो और जो कुछ मेरा है मुझे दे दो और मैं चाहता हूँ जाने के लिए दूर देश ताकि वहाँ पर और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले। और जानते हो क्या हुआ, पिता ने उसको दे दिया, उसको रोका लेकिन माना नहीं हो, और वो जाकर दुनियादारी में दोस्तों के साथ अपना सब पैसा उड़ाया, सब कुछ ख़त्म हुआ। जब वो सुअर के खेत में काम करने लगा तब पता चला कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, खाने पीने कोई चीज़ की कमी नहीं। लेकिन वो लौट कर आया, पिता उसको छोड़ा नहीं। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, गलती जब हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि उसका जो कष्ट है, उसका जो नतीजा जो है, तभी हमें पता चलता है कि हमने क्यों ऐसा गलती किया। और इसी तरह से प्यारे दोस्तों, बाइबल में वचन हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह हम जानते बहुत से बार दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देता था ताकि हम लोगों को अच्छा समझ आ जाए, हम लोग को समझने के लिए समझ आ जाए कि सचमुच में हमने किस रीति से अपने जीवन को निर्वाह करना है। अगर हम किसी गलती को करेंगे उसका एहसास फिर होता है हमें। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ में था और किसी ने आकर उससे कहा कि मेरा जो भाई है, जो स्टेट है हमारा, और उसको हम सब बांट दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है, किसने? और उसने उससे कहा, चौकस रहो हर प्रकार के लोभ और अपने आप से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उस संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सचमुच में इस दुनिया में लोग आज संपत्ति के पीछे मर मिटते हैं, एक दूसरे से ठग विद्या करने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए ये सब चीज़ लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह से मैं बहुत पैसा बना लूँगा, बहुत पैसा बटोर लूँगा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया और ये दृष्टांत इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बोले आर रिच मैन हैड अ फेटल फार्म दैट प्रोड्यूस फाइन क्रॉप्स। ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट हैव रूम फॉर मैनी माई ऑल माई क्रॉप्स। ये धनवान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जायदाद हुआ, इतना ज़्यादा जायदाद हुआ उसके खेत में, और उसने अपने आप को कहने लगा कि मैं क्या करूं, इतना ज़्यादा मेरा अनाज हो गया। जानते हो, पहला इस धनवान व्यक्ति चार गलती को किया और उसमें से पहला था, इन प्लानिंग फॉर हिमसेल्फ ही फॉरगेट्स हिज नेबर। पहला गलती उसने किया कि जब उसको बहुत ज्यादा जायदाद हो गया, उसने सोचा मैं क्या करूं इसको। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं क्या करूं है? प्यारे दोस्तों, उसने अपने बारे में सोचा लेकिन फॉरगेट हिज नेबर, एक दूसरे के लिए नहीं सोचा,
कि तुम्हारा पड़ोसी आज शायद भूखा होगा, हैं, उसके घर में शायद आज खाना नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, हैं, उसके पास रहने की जगह नहीं होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, हैं, शायद वो भीख मांगता होगा, हैं, और मेरे पास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, और मैं इसको क्या करूँ। प्यारे दोस्तों, इसने पहला गलती किया कि जब उसने अपने बारे में सोचा। आज जानते हो इस दुनिया में आज बहुत से लोग स्वार्थी लोग हैं, जानते हैं स्वार्थी लोग, हैं, खाली अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में। परमेश्वर आज हम लोग मदद करे। प्यारे दोस्तों, हम भी लोग शायद थे एक समय केवल अपने बारे में सोचते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, तो हम जानते हमारा जीवन बदल गया, हैं, हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आया हमारा जीवन को बदल दिया, हमारा ख्यालात को बदल दिया, हैं, हम लोग के रहन सहन को बदल दिया, हम लोग के चाल चलन को बदल दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको बदल दिया तो हमें नया जीवन दिया, क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें जो है वो बीत गई और सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया, क्योंकि हमारा ख्याल विचार सब नया हो गया। और अब हम केवल अपने बारे में नहीं, हम दूसरे के बारे में सोचता है, क्योंकि प्रभु ने यीशु ने भी बताया है कि अपने परमेश्वर को सारे मन सारे तन सारे धन सब के द्वारा तुम जान तो प्रेम रखो, लेकिन फिर भी अपने पड़ोसियों को भी अपना समान प्रेम रखो, हैं, अपने पड़ोसियों के अपने समान प्रेम रखो। तो हम जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा को हमें दिया, और इसी तरह से हमें पालन करना होगा कि सिर्फ हम अपने ही बारे में नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में भी चिंता किया करो। आमीन। इसीलिए उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उसने अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपने उपज जो है इत्यादि रखूं, मेरे पास जगह नहीं है। हो हालेलुया, परमेश्वर हम लोग को मदद करे। जब तुम्हारे पास जगह नहीं है थोड़ा बांट दो, आमीन, हैं, जब तुम्हारे पास जगह नहीं है रखने की थोड़ा बांट दो ताकि जगह हो जाए। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। जानते हो उसने क्या किया? दूसरा गलती उसने किया कि इन रेकनिंग हिज गुड्स ही फॉरगेट्स द गिवर, हैं, दूसरा गलती उसने किया, इतना ज़्यादा जायदाद हुआ, रखने के लिए जगह नहीं है, और कहने लगा मैं क्या करूं, और फिर उसने वो भी भूल गया देने वाला को, कौन दिया उसको, हैं? कभी कभी हम सोचते हैं हम खेत में दाल बो दिया और मैं अपने सब बीज बो दिया, और समय पर अगर पानी ना बरसे, हैं, अगर बारिश ना हो, परमेश्वर अगर बारिश ना बरसाए, हम, मुझे याद है कि पहले के ज़माने में हम लोग खेत में धान बोते थे, कभी कभी झूरा का सीज़न हो जाता है, और झूरा जब हो जाता है वो धान अच्छा से होता नहीं, ज़्यादा भूसी हो जाता है, हैं, पहले के समय ऐसा हम लोग देखते रहे, मेरे पिता, और जब हम लोग खेत में काम करते थे बोले ओ इस साल गेहूँ यानी ये धान अच्छा नहीं है क्योंकि ये बारिश नहीं हुआ अच्छा से, इसमें धान से ज़्यादा भूसी हो गया, हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके इस व्यक्ति जो था, इसने ये भूल गया कि जब मैंने उस गेहूँ या जो कुछ उसने बोया था वो अच्छी मौसम में था, अच्छी बारिश हुआ था, और अच्छा जो उत्पत्ति जो जो उसका उपज हुआ
तो उसने जो देने वाला परमेश्वर, जो वारिस दिया है, जो सब कुछ दिया, उसको भूल गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम जानते हैं परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष दिया है सब चीज से, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग को रहने के लिए जगह मिला, खाने के लिए भोजन मिला, सो और तुम जानते हो हम लोग आज तंदुरुस्त में है, और आज हम सुबह उठे, हमने जागा, हमारा आँख खुल गया। तुम जानते हो कभी कभी इंसान जानते हो सोते हैं और सोते रह जाते हैं। कभी तुमने सोचा सुना ऐसे कि कभी कभी लोग ऐसे सोते फिर सोते रह जाते? मैंने बहुतों को देखा है और सुना भी। हमारे जो कनाडा में एक कैलगरी में एक परिवार में उनके दो बेटे थे, दो बेटे, एक बड़ा था एक छोटा था। कुछ साल पहले बड़ा बेटा था, उसका जो पिता जिंदा है, लेकिन बड़ा बेटा जो था सोया और सुबह जगा नहीं। और कुछ साल बाद उसी का दूसरा बेटा भी इसी तरह से सोया और फिर सुबह जगा नहीं, और परिवार में बहुत दुख छाया हुआ। उनको हम जानते हैं क्योंकि हम जाते रहे उनके घर। जानते हो प्यारे दोस्तों, हमने जब सोया, हमने सुबह अपने आँख को खोला, हमने नया जिंदगी को फिर से प्राप्त किया, क्योंकि हमें परमेश्वर जीवन दिया और जिंदा किया, और हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य दिया कि हम सुबह जाग सके। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो परमेश्वर हमें दिया तो हमें उसे लौटा कर देना बहुत ज़रूरी है। देन ही सेड, आई नो आई विल टीयर डाउन माई बॉन्स एंड बिल्ड बिगर वंस, देन आई हैव रूम इनफ टू स्टोर ऑल माई व्हीट एंड गुड्स। तुम जानते हो उसने क्या सोचा कि मेरे पास तो जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बकरियों को तोड़ डालूंगा। हैं? बोले मैं अपने बकरियों को तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा, और उनमें सब अन्न संपत्ति सब कुछ उसमें रखूंगा, और फिर अपने प्राण से कहूंगा, हो ग्लोरी टू गॉड। प्यारे दोस्तों, इसने ये सोचा कि इतना ज्यादा जायदाद जो मेरा हुआ, इसको रखने के लिए मैं अपना बकरियों को तोड़ डालूंगा और बहुत बड़ा बनाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा, ताकि मैं अपने सब अन्न को रखूंगा। जानते हो एक समय हम भी लोग जब धान काटता रहा, हम लोग के पास बड़ा बकार रहता है, बकारिया। हमने तो आप लोग जानते ही नहीं बकारिया क्या है, है? है? बकारिया इसी तरह से बनाया जाता था, उसमें सब धान बस्ता में नहीं रखता था, हम लोग सब उसमें गिरा देता रहा, है? सब गिरा देता रहा, पूरा भरा रहता रहा साल भर के लिए, और कभी चावल की कमी नहीं रहता रहा, और कभी कभी चूहा लोग भी अपना घर बना लेता रहा, हैं? क्योंकि उनके भी भोजन मिल जाता रहा। लेकिन जानते हो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से इसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा बकरिया बनाऊंगा, हाँ, उसमें सब अन्न को रखूंगा, और जो देने वाला परमेश्वर है उसको भूल गया, जो परमेश्वर दिया है उसको भूल गया, क्योंकि उसने सोचा ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, है? सब मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने बहुत मेहनत किया है, मैं हर दिन इसमें काम किया, और मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया। तुम जानते हो कभी कभी लोग ऐसे रहते हैं ना, सब कुछ अपना बड़ाई करते हैं, कभी सोचते नहीं कि अगर परमेश्वर आशीष नहीं दिया होता तो ये सब कुछ जो मेरा है किसका होता है? क्योंकि उसने सोचा मेरे मेहनत की कमाई है। और इसी तरह से लोग बहुत घमंड करने लगते हैं,
धनवान लोग अपना धन पर घमंड करते ना, बलवान लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, विद्वान लोग अपने विद्या पर घमंड करते, और लोग घमंड करते अपने आप के लिए, क्योंकि उसने सब मेहनत उनका है। लेकिन वो भूल जाता है ये तंदुरुस्ती कौन दिया है, हैं? परमेश्वर तुम्हें ताकत किस रीति से, तुम्हें तंदुरुस्ती दिया, तुम्हें ताकत दिया, तुम भोजन किया, थोड़ी देर सोचो बीमार लोग को, सोचो थोड़ी देर के लिए, हैं? हम जानते हैं बहुत से लोग ये कोविड के द्वारा बहुत से लोग मर गए, ठीक बात की नहीं? और शायद तुम लोग जानते नहीं कि मुझे भी हो गया था, हैं? मुझे भी 2020 में हो गया था। 2020 में नवंबर महीने में मुझे बीमारी हो गया, मैं जानता नहीं था, और इतना ख़राब था, मैं जानता नहीं था कि मेरे ऊपर क्या हुआ, मेरे देह में ताकत नहीं था, मैं कुछ खा नहीं सकता था। मेरा बेटी ने सोचा कि बोले डेड जाओ, हॉस्पिटल जाओ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं कभी हॉस्पिटल गया नहीं था, मैं भर्ती कभी नहीं हुआ मैंने, लेकिन उसने एम्बुलेंस मंगा दिया, एम्बुलेंस मंगाया, मुझे भेज दिया और मैं चला गया। मैं जानता भी नहीं था कि ये बीमारी है, लेकिन मैं वहाँ पर जब पहुँच गया, सब तरह का टेस्ट होने लगा, पानी चढ़ाने लगा, जल्दी जल्दी डॉक्टर नर्सेस लोग सब कुछ करने लगा, और मैं नहीं जानता था कि बीमारी मुझे पकड़ लिया। लेकिन दो तीन दिन बाद तो ऐसा लगा, डॉक्टर मेरे पास आया, डॉक्टर ने मुझे बताया, बोले हमारा काम है कि सबसे पूछो कि अगर तू ज़्यादा सीरियस जब हो जाएगा, तुम चाहता है जाने के लिए कि तुम मांगता रहने के लिए। मैंने बोला, मैं घबरा गया, ये क्या बोल रहा है, हैं? डॉक्टर मुझे इस बात को बोला, मैं घबरा गया, क्यों ऐसे बोला, हैं? उसने कहा अगर, क्योंकि मेरा कर्तव्य है बोले पूछना। तो मैंने उसे बताया, नहीं, मेरे लिए प्रार्थना हो रहा है, मेरे लिए चेस्ट में बहुत प्रार्थना हो रहा है, और मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं लौट के चला जाऊंगा घर। 6 दिन तक हॉस्पिटल में था मैंने, और आस्ते आस्ते सब कुछ लौट कर आने लगा, भोजन करने लगा मैंने, ताकत आने लगा, सब कुछ होने लगा। और उससे पहले मैं जानता हूँ कि कभी मैं बीमार देखा नहीं वैसा जो समस्या था, लेकिन परमेश्वर फिर एक अबाउट 7-8 डे के बाद में मैं घर लौट कर आ गया, और फिर भोजन करना शुरू किया, परमेश्वर नया जिंदगी फिर से दे दिया। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये नहीं समझो कि ये श्वास जो दिया है परमेश्वर, ये परमेश्वर के द्वारा है, और जो तंदुरुस्ती हमें मिला है ये सब परमेश्वर के द्वारा है। तो इसलिए वो परमेश्वर जो हमें ये श्वास दिया है, ये नया जिंदगी दिया है, उस परमेश्वर को हम नहीं भूले, क्योंकि जो परमेश्वर हमें दिया है इसीलिए उसको हम लौटा कर दे जो उसका है, हैं? इसलिए तो बोलते टाइथ ऑफरिंग दिया जाए। टाइथ का मतलब क्या, यही है, जो परमेश्वर दिया उसको लौटा कर दो, उसका शेयर ना, यही मतलब है कि तुम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता रखो ना, कि परमेश्वर देता है तो परमेश्वर के जो भाग है उसको दो, और तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें तंदुरुस्ती मिलेगा, तुम्हें ताकत मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा, आशीष मिलेगा, तुम्हारे घर में बरकत होगा, कुछ कमी ना होगा, ये सब चीज़ परमेश्वर देता है। इसलिए यह वचन कहता है, ये व्यक्ति जो था कि इन रेकनिंग इज गुड, ही फॉरगेट्स द गिवर, देने वालों को भूल गया। और आज हमें परमेश्वर मदद करे, हमें जो कुछ परमेश्वर दिया है हम यही अपने जीवन में सोचे, ये सब परमेश्वर के द्वारा मिला है मुझे, मैंने अपनी मेहनत से नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ और शक्ति दिया, इसीलिए हमने ये सब कुछ पा सका। आमीन। परमेश्वर हम लोग को मदद करे प्यारे दोस्तों, बोले हम देने वाला बने ना, बोले किसी ने कहा, बोले नदी के पानी जो है वो मीठा होता है ना, ठीक बात की, नदी के पानी बोले मीठा होता है, क्योंकि वो पानी देती रहती है, हैं?
पानी जो है वो देती रहती है। और बोले सागर का पानी खारा होता है, हैं? बोले क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है, हैं? हमेशा वो लेता रहता है क्योंकि सागर कितना बड़ा है, वो हर समय लेता है पानी, हैं? और फिर और बोले इसी तरह से बोले इसी तरह से बोले कि अगर तू देते रहो तो सबको मीठे लगोगे, अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। ऐसा ही हमारा जीवन है, हैं? बोले अगर देते रहेगा सबको मीठा लगेगा, हैं? और लेता रहेगा सबको बेकार लगेगा, हैं? बोले सब टाइम लेवे देवे नहीं, सब टाइम लेवे, हैं? तो हम लोग सब समय मीठा बनना चाहिए ना, और देने से हम मीठा बनोगे, परमेश्वर हम लोग को मदद करे। ओ ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, इसी तरह से तीसरा गलती उन्होंने किया और वो ये है, इन प्रोवाइडिंग फॉर हिज बॉडी ही फॉरगेट्स हिज सोल, कि उसने कहा, उसने क्या कहा वर्स 19 में, और वह अपना सब अन संपत्ति, वहां अपना सब अन संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुख से रहो, है? क्या उसने कहा? उसने अपने प्रोवाइडिंग फॉर हिज बॉडी फॉरगेट्स हिज सोल, उसने ये कि उसने यही सोचा कि इसमें मैं सब अन संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखा है, चैन कर, खा पी और सुख से रहो, है? चैन कर, खा पी और सुख से रहो। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे एक दिन तो मरेगा, खाओ पियो, बोले खूब आनंद कर लो, मौज कर लो, बोले यही टाइम तो है हम लोग खाए पिए ला टाइम। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कितना तुम खाएगा, है? कितना तुम खाएगा, है? वही तुम खाएगा जो सब कोई खाते, ठीक बात की नहीं? तुम्हारा पेट उतने ही ले सकता है जितना सब कोई खाते ना। जानते हो प्यारे दोस्तों, इसने अपने शरीर से कहता है कि आप खाओ पियो, अब मौज करो, बहुत दिनों के लिए तुम्हारे पास संपत्ति है, बहुत है, शायद ये खत्म भी नहीं होगा। और उसने अपने शरीर के विषय में केवल चिंता किया और अपने प्राण के विषय में नहीं चिंता किया। तीसरा गलती उसने किया है, अपने शरीर के विषय में चिंता किया, अपने प्राण के विषय में नहीं चिंता किया। प्यारे दोस्तों, बाइबल क्या कहता है, व्हाट शैल मैन प्रॉफिटेथ, बोले ना, बोले इफ ही गेन्स होल वर्ल्ड, बोले क्या फायदा हो गया, बोले मनुष्य सारा जगत प्राप्त कर ले और अपने प्राण को हानि उठाए तो क्या फायदा होगा, है? इतना सब कुछ पा करके, इतना संपत्ति पा करके, है, तूने अपने प्राण से कहता है, अपने शरीर से कहता है खाओ पियो सुख से रहो, लेकिन तुमने अपने शरीर के विषय में चिंता किया, अपने प्राण के विषय में नहीं चिंता की। आज सारे संसार में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के विषय में चिंता करता है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर हमारा जो ख्यालात है उसको बदल दिया, हमारा जो विचार है उसको बदल दिया कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्योंकि हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किया हमारा ख्यालात बदल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम
इस दुनिया में खबल थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा समय के लिए है। उम्र जो है नहीं सोचना कि ओ तुम इतना दिन जिएगा, अभी तुम 100 बरस नहीं हुआ, अभी 99 भी नहीं हुआ है, अभी तुम बचा है बहुत है। लेकिन तुम नहीं जानते हो है 99 जाएगा कि 19 जाएगा, तू भी नहीं जानते हो तुम ना। अब रात जाकर तुम सोया, तुम नहीं जानते हो कल तू जगेगा कि नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, मौत जरूर आएगा है, किस समय हम ये बात नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि मौत आएगा। क्या हम तैयार है ना? सब लोग इस बात के विषय में नहीं सोच पाते कि क्या हम तैयार है कि नहीं। अगर नहीं तैयार है तो उनके लिए अफसोस है, हैं? लेकिन जो तैयार है उनके लिए अफसोस नहीं है, हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा आँख यहाँ बंद होगा तो स्वर्ग में हमारा आँख खुलेगा ना, वहाँ पर अनंत काल की जिंदगी है। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल कहता है चोर कोई काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता, लेकिन यीशु ने कहा मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, और बहुत आज का जीवन देने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में जब हम आए तो हम जानते हैं दुष्ट द्रोही शैतान जो है हमें हर समय परमेश्वर से दूर करना चाहता है, हमारा जो विश्वास कम करना चाहता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करना चाहता है, हमें ऐसे ऐसे संसारिक और शारीरिक ख्याल में हमें लेकर आता है, हैं? जिसे हम परमेश्वर को पूरे मन से नहीं प्रेम कर सके। इसीलिए रोमस चैप्टर 8 को जाकर पढ़ो, शारीरिक जीवन के विषय में बताता है कि अगर शारीरिक जीवन में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा ना, पूरा चैप्टर तुम पढ़ के देखना कितना सुंदर बात उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक जीवन के बारे में बोलता है। इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है हमें लेना है, कि प्रभु यीशु मसीह का जो सिद्धांत है उसको अपनाना है। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं टू बी लाइक जीसस ना, टू बी लाइक जीसस, ऑल आई आस्क टू बी लाइक हिम, बोले ऑल थ्रू लाइफ जर्नी फ्रॉम अर्थ टू ग्लोरी, टू बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह चलना है, यीशु की तरह हमें बातें चीतें करना है, यीशु की तरह जो जिंदगी है हमें बिताना है। क्योंकि हम इसीलिए क्रिश्चियन कहलाते हैं, हैं? हम लोग क्रिश्चियन इसलिए कहलाते क्योंकि क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट लाइक है, क्राइस्ट लाइफ हम लोग के जीवन में ना, इसीलिए हम क्रिश्चियन कहते। क्योंकि अगर हम क्रिश्चियन कहते हैं, अगर हम उस यीशु का जीवन नहीं है हम लोग में, तो हम क्रिश्चियन है भी तो नहीं ना। जैसे किसी ने कहा नेम सेक क्रिश्चियन है, नामदारी मसीह। और आज संसार में हम जानते इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम के मसीह है, और जानते हो इसने इसी तरह से अपने प्राण के विषय में चिंता नहीं किया, लेकिन अपने शरीर के विषय में केवल चिंता किया। ओ ग्लोरी टू गॉड। चौथा गलती उसने किया, और वो ये है कि इन काउंटिंग ऑन टाइम मेनी ईयर्स ही फॉरगेट्स द इटर्निटी। 20 में कहता है परंतु परमेश्वर ने उसे कहा हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। परमेश्वर ने उसे कहा हे मूर्ख, आज रात तुम्हारा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से उसने सोचा बहुत दिन हम जिएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तुमने इकट्ठा किया किसका होगा। जो कुछ तुम इकट्ठा किया, हम जानते प्यारे दोस्तों ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हैं? हो सकता है हम सोचते कि अपने परिवार के लिए, लड़कन बच्चन के लिए हम सब इकट्ठा करता है। प्यारे दोस्तों, हम हर एक को अपना
हिसाब देना पड़ेगा। हैं, लड़के बच्चे वो अपना हिसाब देंगे, सब अपना अपना हिसाब देंगे, लेकिन परमेश्वर हमसे पूछता है, हमारे इंडिविजुअल जो है, व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन के बारे में परमेश्वर बात करता है कि क्या हम तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो तुम जानते हो मैं तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जॉन चैप्टर 14 में कहता है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर मैं आऊँगा तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो।